नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता रानू। मोदी सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया है और जिसकी पहली खेप में फ्रांस से आए 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में बुधवार को शामिल हो जाएंगे। इन राफेल विमानों ने फ्रांस की धरती से उड़ान भरी थी तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक एक नाम सुर्खियों में था। ये नाम है हिलाल अहमद राठेर। जी हाँ, कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले एयर कमांडो हिलाल अहमद राठेर उस वक्त भी पेरिस में मौजूद थे जब राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए उड़ान भर रहा था। फ्रांस में भारत के एयर अताशे की जिम्मेदारी निभा रहे हिलाल अहमद राठेर ने ही राफेल की वक्त पर डिलीवरी करवाई और साथ ही ये भी तय करने में अहम जिम्मेदारी निभाई कि भारत की जरूरतों के मुताबिक किन किन हथियारों से राफेल लड़ाकू विमान को लैस किया जाए। तो राफेल डील में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हिलाल अहमद राठेर ही नहीं बल्कि उनके पिता मोहम्मद अब्दुल्ला भी देश सेवा से जुड़े थे। वो जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर डिप्टी SP रिटायर हुए थे और हिलाल के परिवार में 3 बहनें हैं जबकि वो अकेले भाई हैं। उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के साथ ही अमेरिका के एयर वन कॉलेज से भी ग्रेजुएशन की और नेशनल डिफेंस अकेडमी के वो सॉर्ड ऑफ ऑनर भी जीत चुके हैं। 17 दिसंबर 1978 को बतौर फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स से जुड़े। 1993 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, 2004 में विंग कमांडर बन गए। 2016 में ग्रुप कैप्टन और 2019 में एयर कोमोडोर के पद पर पहुंचे। 3000 घंटे तक MiG-21, मिराज 2000 और किरण एयरक्राफ्ट उड़ान का अनुभव। इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर दुनिया का बेस्ट फ्लाइंग ऑफिसर बताया गया। 2010 में जब वो विंग कमांडर थे तो वायुसेना मेडल से नवाजे गए। 2016 में जब ग्रुप कैप्टन थे तो विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया गया। तो भारत के राफेल डील से जुड़े हिलाल अहमद राठेर को साल 2019 में उस वक्त भी देखा गया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल की पूजा कर रहे थे। वायुसेना में इतने अहम पद पर पहुंचने वाले हिलाल अहमद राठेर से उन कश्मीरी युवाओं को सीखना चाहिए जो पाक परस्तों के बहकावे में आकर हाथ में कलम उठाने के बजाय बंदूक और हथियार उठाते हैं। मतलब साफ है कि अगर आप कलम थामते हैं तो हिलाल अहमद राठेर बनेंगे और बंदूक थामकर आतंक का रास्ता चुनते हैं तो फिर उसकी एक ही जगह है, सीधे जहन्नुम में।